हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप क्या होता है। ग्रुप जिसका पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था और उससे आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में हम एक से ज्यादा ग्रुप्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी हमारे पास पहले से बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ, राजेश मल्टी स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिएट पर चलना है। क्रिएट पर जैसे ही आएंगे तो इस तरह का आपको सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। यहां पर हमें आना है स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। तो यहां से नेविगेशन की का प्रयोग करते हुए आ जाइए स्टॉक ग्रुप में। तो पहले ग्रुप बना लेते हैं। तो एक ग्रुप मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अब हम एक और ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक का ग्रुप बनाएंगे, तो यहां कर देता हूं इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब ये इलेक्ट्रिक्स अगर इलेक्ट्रॉनिक के अंडर में डालना चाहते हैं तो ये बन जाएगा सब ग्रुप, लेकिन हमें अभी इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में नहीं डालना। एंटरप्रेस करते हैं, एंटरप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो हम बनाएंगे वो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो यहां पे उषा फैन कर दिया हमने, ठीक है। अब एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब यहां पर देख सकते हैं फैन जो है क्या है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का पार्ट है, तो इसे इलेक्ट्रिक के ग्रुप में हमने डाल दिया। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस कर दिया। फिर इसी तरह से हम बात कर लेते हैं वायर की, ठीक है, डब्ल्यू आई आर ई वायर। तो ये वायर हो गया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और इसे भी डाल देंगे हम इलेक्ट्रिक्स के ग्रुप में, ठीक है, हो गया। इसी तरह से और भी कुछ हो तो, जैसे हमने कर दिया यहां पे मोटर, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक होगा, तो इलेक्ट्रिक में इसे डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ठीक है। अब जो बनाएंगे हम वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कर दिया एलसीडी, ये एलसीडी कर दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा कि इलेक्ट्रिक में जाएगा ये देख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जाएगा, ठीक है, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस कर दिया। इसी तरह से हम कर देते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये ले लिया हमने, एंटरप्रेस किया। अब ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देंगे हम इसे, एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब एंट्री पास करते वक्त कैसे एंट्री पास करेंगे हम, ठीक है, एंट्री पास करते वक्त देखिए इसमें हमने जीएसटी अभी इनेबल नहीं किया है, तो F11 प्रेस करके आप चाहे तो यहां से जीएसटी भी इनेबल कर सकते हैं। यहां से वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, और ये सारी चीजें आप कर लीजिए, वाई प्रेस कर दीजिए, और यहां पर डिस्क्रिप्शन छोड़ देता हूं। यहां पे आपको टैक्सेबल रखना है, टी टैक्सेबल, और यहां पे 28% लगा देता हूं, अपने हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो ये हमने कर दिया और यहां कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, जीएसटी भी इनेबल हो गया। अब यहां से वी प्रेस करके वाउचर एंट्री हम पास करेंगे। तो हम चलते हैं कहां, परचेज में, ठीक है। तो परचेज में आ गए हम। अब यहां पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा। तो डेट कैसे चेंज करेंगे, F2 प्रेस कीजिए, और यहां पे जैसे मान लीजिए 1/12/2020 ये डेट हमें देनी हो, तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/12/2020 एक दिसंबर आ चुका है। यहाँ पे देखिए कोने में, यहाँ पर भी आप चेंज कर लीजिए 1/12/2020, यहाँ पर भी एक बार आप टाइप कर देंगे तो यहाँ पर भी 1 दिसंबर ही आएगा। अब यहाँ पर सिंपली कैश आ रहा है, तो हमें कैश नहीं करना है, ठीक है। जब भी क्रेडिटर पार्टी का नाम अगर आप देना चाहते हैं, जो खरीदार है उसका नाम आप देना चाहते हैं और जो बेचने वाला है उसका नाम देना चाहते हैं, तो आपको लेजर्स बनाना होगा सेंडिटर और क्रेडिटर का, ठीक है। यहां कर देता हूं कुंदन सिंह, ये डाल दिया हमने, और ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, यहां पर संडी क्रेडिटर कर देता हूं, ये कर दिया हमने। इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, यहां पर आ गया। अब यहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं कर्सर यहां पे आ चुका है हमारा, ये टैली प्राइम की खासियत है। यहां पर एंटर प्रेस कर दीजिए और परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए। टैली को और भी ज्यादा आसान बना दिया गया है, तो एंटर प्रेस करके और यहां पर इसे परचेज अकाउंट के अंडर डालना है। तो यहां पर परचेज अकाउंट कर दिया हमने और एंटर प्रेस करके इसे करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पर जो हमने ग्रुप बनाए थे, पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दो ग्रुप हमने बनाए थे, आपको याद होगा। तो इलेक्ट्रिक में अगर हम वायर लेते हैं, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं यहां पर कोई भी स्टॉक आइटम अगर मैं बनाता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं बना लेता हूं फैन, ठीक है, फैन बनाया हमने, ये स्टॉक आइटम हो गया, ठीक है। और अब कौन सा फैन ले रहे हैं, तो यहां पे
उषा फैन, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट भी बनानी होगी, तो यूनिट यहाँ पे क्रिएट पे जाइए और यहां से कर दीजिए आईटीएम आइटम आइटम, और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर पैक्स पैकेट पीसेज, ठीक है पैक्स कर देता हूं। और यहां पर अलग से अगर आप जीएसटी देना चाहते हो इस पे, तो यहां पर आप दे सकते हैं एप्लीकेबल करके, और यहां पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिए। यहां पे मैं कर देता हूं उषा फैंस, और यहां पे जो भी इसका एचएसएन कोड हो वो डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर टैक्सेबल रहेगा। अब मान लीजिए उषा फैन पे 18% ही जीएसटी लग रहा हो, आपने तो उस समय 28% लगा दिया था, 18% ही लग रहा हो तो ये गुड्स कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, 5 क्वांटिटी ले रहे हैं, एक की कीमत हमें कितनी पड़ रही है 1800 पड़ रही है, तो ये हमने दे दिया। इस तरीके से ये आ गया, देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई और इसी तरह से, जैसे मान लीजिए कि बात करें हम एलसीडी की, तो यहाँ पे एल प्रेस करेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और उस कंपनी का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एलजी एलसीडी मॉनिटर, ये हमने कर दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां पर जैसे ही आएंगे तो अब हमें एलसीडी का ग्रुप दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइटम कर देंगे, और यहाँ पे अलग से जीएसटी देना चाहते हो तो सेट अल्टर पे जाके, और यहाँ पर अलग से भी आप जीएसटी दे सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूं मॉनिटर, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसका जो भी एचएसएन कोड हो वो आ जाएगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर आऊंगा टैक्सेबल रखूंगा। और अब मान लीजिए कि यहाँ पर 21% की जीएसटी लग रही हो, तो यहाँ पर 21% आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गए। अब मान लीजिए कि ऐसे ऐसी 10 एलसीडीज आप परचेज कर रहे हो और एक की कीमत आपको पड़ रही हो 7800, तो ये खरीद रेट यहाँ आ गई। इसी तरह से करके ये बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ग्रुप और सब ग्रुप आपको समझ में आया होगा। अब यहां से सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर तो हमने क्रिएट नहीं किया, तो जैसे ही हम प्रेस करते हैं सी, तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है। क्रिएट पर चले जाइए और यहां लिख दीजिए सीजीएसटी, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। और यहां पर क्या करना है आपको, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो डी प्रेस कीजिए और यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखाई पड़ जाएगा। और यहां पे ये जीएसटी है और कुछ तो है नहीं, तो सेंट्रल टैक्स कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं और यहां पे 3 या 2 कुछ ऐसे कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पे जीएसटी भी ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ चुका है, देख सकते हैं। अब एसजीएसटी कर देता हूं, सीजीएसटी तो कैलकुलेट हो गया, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, जीएसटी ही है। और इस बार है स्टेट टैक्स, और एंटर प्रेस किया, यहां पर नॉर्मल राउंडिंग, यहां 2 कर देता हूं, एक्सेप्ट कराता हूं, तो ये यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करके, और चाहे तो नरेशन डाल सकते हैं। अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां से बाहर आता हूं, इसका जब हमें प्रिंट देखना होगा तो यही हमारी वो एंट्री है। यहाँ पे अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिएगा। आप चाहे तो अपने दुकान का नाम डालना, तो यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन पे जाकर के आप सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, लोगो नेम वगैरह देना चाहें, ठीक है, तो यहां से दे सकते हैं। अब यहां पे अल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, और फिर यहां पे प्रीव्यू हमें देखना है, ठीक है, तो प्रीव्यू हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये आप कर सकते हैं, देखिए ये सेटिंग मैंने आपको बताया है पिछले कई सारे वीडियोस में कि ये सेटिंग कैसे होगी, ठीक है। आप यहां पे कॉन्फिगर पे जा करके, और ये दे दिया टाइटल, ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे डबल क्लिक कर देता हूं, अब ये ओपन हो गया ना। अब यहां पर मान लीजिए कुछ और देना चाहते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहां पे एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया ना, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और अब इसका प्रीव्यू देखेंगे, तो यहां पे देखिए ऊपर में एबीसी कंपनी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो हेल्पफुल जरूर रहेगी आपके लिए। यहां पे दोनों का नाम भी आ रहा है और सारी डिटेल भी आ रही है सीजीएसटी एसजीएसटी और सारी चीजों की। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।